सो दिस इज माई 2020 यामा YBR125G। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की हैं, कुछ मॉडिफाई की हैं और कुछ रिप्लेस की हैं। उन सारों की टोटल कॉस्ट अराउंड 20,000 के करीब बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका वॉक अराउंड दूंगा और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करवाई थी, उसकी प्राइस क्या थी और वॉज इट एनी गुड और नॉट। तो चलिए मैं आपको एक बाइक का वॉक अराउंड देता हूँ और फ्रंट से लेके एंड तक मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक में मैंने क्या क्या चीज़ इंस्टॉल की हुई और उसकी प्राइस क्या क्या थी। तो सबसे पहले जो अगर सामने से बाइक की प्रोफाइल पे चीज़ नज़र आती है वो ये हेडलाइट ग्रिल है जो कि मैंने 550 की खरीदी थी, और ये विंडशील्ड है और ये भी 550 रुपये की खरीदी गई थी। अब इन दोनों की अगर बात की जाए, अगर इनकी प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, तो ये दोनों कोई बहुत खास काम की नहीं है। ये विंडशील्ड जो है ये बहुत छोटी है, तो इससे कोई एरोडायनेमिक्स में बहुत खास फ़र्क पड़ता नहीं है बाइक के। और अगर इस ग्रिल की बात की जाए तो इसमें गैप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर डिब्री सामने से उड़ के आए तो काफ़ी ज़्यादा गैप है उसका हेडलाइट को डैमेज करने के लिए। उसी के साथ अगर हम आगे मूव करें तो ये दो LED लाइट्स हैं, ये शिलान की L29 LED लाइट्स थी और ये 2500 रुपये की एक LED है। ये मार्केट में आपको काफ़ी सस्ती इससे इसके आधी प्राइस में भी ये LED लाइट्स मिल जाएंगी, बट LED लाइट्स में यही होता है कि वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इन लाइट्स को मैं कोई पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, इनका थ्रो, इनका ब्राइटनेस, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और अभी तक पिछले एक साल में इन्होंने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया और अभी भी ये बिल्कुल अच्छी चल रही हैं। उसी के साथ अगर हम और आगे आएँ तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं बाइक की जो स्विच असेंबलीज हैं, जो यामा के स्टॉक स्विच असेंबलीज आती हैं उसमें बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। मैंने ये आगे LED लाइट्स लगाई हुई थी और डबल इंडिकेटर लगाए हुए थे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दो एक्स्ट्रा बटन लगाने पड़ गए थे, बट उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और उस मसले का हल मैंने ये कस्टम जो है इसके स्विच असेंबलीज ढूंढी थी। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पर स्विच असेंबली है उसमें यहाँ पे एक डिपर का बटन है, हाई बीम लो बीम है, डबल इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न, ये ऑप्शन है। और राइट साइड पर इसमें किल स्विच, हेडलाइट और सेल्फ स्टार्ट आ जाता है। अब इसमें ये जो राइट साइड वाला किल स्विच का ऑप्शन है, ये वैसे तो काफ़ी ऐसा लगता है कि यूजेबल फीचर होगा, पर ऑनेस्टली इस बाइक पे जब मैंने ये स्टार्ट में इंस्टॉल किया था इसने मुझे काफ़ी तंग किया, क्योंकि आपको याद नहीं रहता और मैं अक्सर इसको ऑफ़ किया होता था और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता था। अब नॉर्मली बाइक को बिल्कुल भी पावर पिक नहीं करनी चाहिए, सेल्फ नहीं लेना चाहिए, बट अगर ये ऑफ भी हो तो बाइक सेल्फ लेता है और ऐसा लगता है जैसे आपकी बैटरी डेड है या कोई और मसला चल रहा है। तो अगर आपको याद ना हो या आप भूल जाएंगे आपने ये स्विच इसका बंद किया हुआ है तो वो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। और इसके जो दूसरी साइड पर ये हाई बीम और डिपर का बटन है, ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपने जाना हो, आपने कोई रास्ता मांगना हो किसी से, तो आपको यूँ बार बार लाइट ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ती, आप आराम से यहाँ से डिपर मांग सकते हैं। तो ये दोनों मैंने ख़रीदे थे 2500 के। और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे सेफ गार्ड या एक क्रैश गार्ड है जो कि बाइकर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक्सीडेंट की सूरत में आपकी टांगों को और आपकी इस सारे एरिया को बचाता है। उसी के साथ साथ आप इस पर काफ़ी ज़्यादा सामान उठा के बाइक पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये मैंने 1500 की ख़रीदी थी। और उसी के साथ इधर नीचे जो है मैंने मड गार्ड को एक्सटेंड किया हुआ है, ये मैंने अगले और पिछले दोनों टायर्स पर लगाया हुआ है और इस एक की प्राइस 170 थी, तो मुझे दोनों जो है ये 340 रुपीज़ में मिले थे। और ये भी एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और हर YBR ओनर को, इवन दूसरे बाइक्स वालों को भी ये लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे जो यहाँ से कचरा उछलता है वो आपके इंजन को बचाता है और आपके लाइक जूतों का भी काफ़ी इससे बचत हो जाती है। तो अगर हम यहाँ से पीछे आ जाएँ तो यहाँ पर है इसका टायर। अब जो स्टॉक टायर आता है वो आता है 90-90-18, मैंने इसमें जो है 100-90-18 का टायर इंस्टॉल करवाया हुआ है। और अगला पिछला मैंने दोनों टायर चेंज करवाए थे, अगले तो मैंने वही टायर रखा था जो उसके स्टॉक आता है। जो पिछला टायर आता है वो मैंने 90-90 के बजाय 100-90 का लगवा लिया था, तो उससे बाइक की ग्रिप भी काफ़ी बेहतर हो गई है। फ्यूल एवरेज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, लाइक अगर पहले 45 की एवरेज देता था बाइक तो अब 40 की एवरेज दे रहा है, ये एक इस पर फ़र्क पड़ा है, बट बाइक कम्फर्टेबल काफ़ी हो गया है। उसी के बाद अगर हम इसके साइड पे आगे यहाँ से टापा या साइड कवर उतारें तो इसकी बैटरी जो है ये भी मैंने चेंज करवाई हुई है। और ये जो है इसमें नॉर्मल जो बैटरी आती है उसको मैंने चेंज करा के इसमें डलवाई थी ये ड्राई बैटरी, और ये मुझे कॉस्ट की थी 3500 की। अगर अब हम साइड कवर को बंद करके ऊपर आएँ तो आप जो सीट कवर देख रहे हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा। उसकी मेन वजह यह है कि मैंने इस पर एक मेश कवर लगाया हुआ था, ये मुझे 600 का मिला था, अभी इसकी मार्केट में प्राइस डिफरेंट भी हो सकती है। ये मैंने इस पर इंस्टॉल किया था और इसकी मेन रीज़न ये थी, एक तो ये ब्रीदेबल बनाते हैं सीट को, दूसरा गर्मियों में सीट को गर्म होने से बचाता है, और तीसरा जब आप इस पर बैठते हैं तो बाइक पे आप स्लिप नहीं होते, नॉर्मल सीट का कवर इसका काफ़ी स्लिपरी होता है, तो उससे ग्रिप भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो ये थी वो तमाम चीज़ें जो मैंने अपने बाइक पर इंस्टॉल की थी और इनकी टोटल कॉस्ट बनती है 23,040 रुपीज़, और इसमें मैंने लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया। अब प्राइसेस आज की मार्केट में ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी, मैंने जो है ये पिछले एक साल में जो है एक एक करके चीज़ें इंस्टॉल करवाई थी, अगर आप एक साथ ही इंस्टॉल करवाते हैं तो ऑब्वियसली इनकी प्राइस आपको डिफरेंट ही मिलेगी। खैर, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।